हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 में वेटिंग लिस्ट आखिर कब जारी होगी, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। और 2016 की भर्ती है और 2020 चल रहा है, लेकिन अब तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है। उधर कुछ दिन पहले आपने देखा था कि अखबारों के माध्यम से भी आवाज़ उठाई गई कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 रिसफल परिणाम और वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। इसको मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि संस्कृत के मेरे पास कुछ प्रूफ हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद खाली हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए, आरपीएससी की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 का रिसफल परिणाम और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की गई है। अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से इस मामले में भी कोर्ट में सुनवाई जल्द पूरी कराने का आग्रह किया है। देखिए, इस भर्ती में कोर्ट के लिए कुछ अभ्यर्थी ऐसे गए थे जिन्हें अपनी मंडल चॉइस नहीं मिल पाई थी और उन्होंने कोर्ट का सहारा भी लिया था, लेकिन वो एक अलग प्रक्रिया थी। और जबकि वेटिंग लिस्ट अलग है, तो वेटिंग लिस्ट सरकार को जारी करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक जारी नहीं कर पाई सरकार। तो सभी अभ्यर्थियों की यही मांग है कि जल्द से जल्द जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जाए। तो आप और देख सकते हैं, अभ्यर्थियों का कहना है कि जुलाई 2017 में हुई परीक्षा का परिणाम फरवरी 2018 में आ गया था। आयोग ने 6 माह बाद सितंबर 2018 में संशोधित परिणाम जारी किया और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई थी। 2 साल बीतने के बाद भी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के मुख्य चयन सूची में चयनित को नियुक्ति देने के बाद भी जो रिक्त पद हैं वो करीब 1200 पद हैं और किसी को भी अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देखिए भरतपुर संभाग जो कि संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, तो यहाँ पर 12 अभ्यर्थी हैं जो आप कैटेगरी देख सकते हैं। भिन्न भिन्न कैटेगरी हैं, कोई ओबीसी से है तो कोई जनरल से है, तो सभी की ये पोस्ट अब तक खाली हैं। संस्कृत की ये पोस्ट हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं पाली, पाली में करीब 288 अभ्यर्थियों का मंडल आवंटन किया गया था, जिसमें 2 अभ्यर्थियों का कार्य ग्रहण नहीं किया गया, जिसमें आप वर्ग देख सकते हैं, संख्या भी लिखी हुई है। साथ में जो कोटा संभाग है, कोटा संभाग के आप देख सकते हैं कि 4 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई, यानी उन्होंने कार्य ग्रहण नहीं किया। इसी के साथ जोधपुर संभाग, ये यहाँ पर जो कार्य ग्रहण नहीं किया, 60 अभ्यर्थी हैं जिसमें जनरल के 35, एससी 7, एसटी 8, ओबीसी 10 और एसबीसी का कोई नहीं, यानी 60 है। तो इस तरह मेरे पास जो ये प्रूफ है ये 4 मंडल के हैं। इसके अलावा और मंडल भी हैं, यानी 5 मंडल शेष हैं। तो करीब संस्कृत विषय में ही काफ़ी पोस्ट हो जाती हैं, करीब 270 के आसपास, 275 के आसपास। और जिनके भी 3 से 4 मार्क हैं या 5 मार्क तक भी हैं, तो सभी की एक पॉसिबिलिटी है कि सभी का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, यानी चयन हो जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट जारी हो तो सभी अभ्यर्थियों को एक रोज़गार मिले, तो लगातार मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हो पाई है। इसी तरह अन्य विषयों का भी मामला है कि सभी विषयों में जो पोस्ट हैं वो खाली हैं, लेकिन मेरे पास जो प्रूफ था संस्कृत का था, क्योंकि आरटी के तहत कुछ अभ्यर्थियों ने ये सूचना मांगी थी जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई है। तो सभी अभ्यर्थियों ने यही मांग की है कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट जारी की जाए और हमें नियुक्ति दी जाए। तो दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और 2016 से जो जुड़े अभ्यर्थी हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे आप मुलाकात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।